आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। मालेगांव शहर में दिन ब दिन फांसी लेने की वारदात बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? आज फिर एक नौजवान बच्चे ने फांसी ले ली। आज फिर एक हादसा हुआ, आयशा नगर गली नंबर 7, शेख फैजान शेख सादिक नौजवान लड़का है, 21 साल वो बच्चे की उम्र है। आज उसने फांसी ले ली। जब उसके दोस्त को फोन आया 5:18 के ऊपर, उसको बोला उसने उसके दोस्त को, क्या अपने में से एक दोस्त कम हो जाए, तो उसने बोला उसको कि यार ये सब बातें मत कर, उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने दोबारा फ़ोन किया, उसके दोस्त ने जिसको फ़ोन आया था, बार बार मुसलसल उसको फ़ोन करते गया, लेकिन उसने फ़ोन उठाया नहीं। ये बच्चा जब भाग के गया तो देखा तो वो लटका हुआ था, तो बच्चे ने उनको उतारे और उसको तुरंत नया फरा हॉस्पिटल में ले गए। कुछ देर तक उसके साथ चली, लेकिन उसका इंतकाल हो चुका है। अभी उसको यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल लेके आया गया है और अभी पुलिस भी आ रही है, पंचनामा हो। मैंने ये जुमा जो गया माई नगर जो दूसरी गली में लड़की ने फांसी ली थी, बिरादरी बच्ची, मैंने कहा कि देखो हमारा काम है कि हमारी फैमिली के अंदर, मैंने कहा क्या हम जब दोपहर में या खाने के लिए बैठे या शाम के अंदर जब खाने के लिए बैठे ईशा की नमाज के बाद, तो हमारे बच्चों से हम बात करें ताकि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। देखो आज नहीं पूछे माँ बापों ने, हर माँ बाप को वो भले अच्छा है कि कोई भी हालात मिले, लेकिन हमारा काम बनता क्या वो बच्चों से कम मालूम ले क्या चल रहा, कारोबार चल रहा नहीं चल रहा, कोई तकलीफ है कर्जा है कुछ भी अगर बात है ना, तो बच्चों से शेयर करो ताकि बच्चे कोई गलत कदम ना उठाए। देखो ये बच्चा चले गया, आज फिर एक माँ का लाल एक बच्चा एक आज दुनिया से चला गया और उसने सबको दुख दे के चला गया, पूरे आशा नगर को दे दिया, दोस्त अहबाबों को दे दिया। मेरी फिर से मालेगांव के तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, हिंदू मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि हमारे बच्चों से हमारे दोस्तों अहबाबों से हम पूछो, कोई तकलीफ तो नहीं है उन्होंने, कोई तकलीफ रही तो शेयर करो एक दूसरे ताकि ये हादसात रुक सके। देखो हादसात ऐसा होता है कि हादसात होने के बाद मालूम पड़ता है, लेकिन अगर हम अगर एक दूसरों से हमारे बच्चों से हमारी फैमिली के लोगों से अगर पूछ लेंगे, एक बाप का काम बनता है कि बच्चों से पूछो और एक बच्चे का काम बनता है बाप से पूछे कि अब्बा कोई तकलीफ तो नहीं है, कि बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है, तो हम एक दूसरे अगर पूछेंगे एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे तो कम अज कम मैं समझता हूँ ये जो फांसी की वारदात है ये कम होंगी, कहीं ना कहीं तक तो कम होंगी इंशाल्लाह, अगर चाहते। या अगर इसको ऐसा भी किया जा सके, बच्चे अगर माँ बाप से नहीं कहते तो शहर में कमेटी बनाई जाए कि जो लोग मतलब अपने माँ बाप से नहीं ऐसी बातें कर सकते वो कमेटी से मुलाकात करे, जो भी परेशानी होंगी उनकी। देखो ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो कमेटी तो ठीक हम तस्कील करेंगे इंशाल्लाह, कमेटी पूरे शहर के लेवल के ऊपर बनाएंगे, तमाम तंजीमों को लेके, अदारों को लेके, मदरसों के लोगों को, इकरामों को लेके हम जरूर इंशाल्लाह कमेटी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज जितने भी यहाँ खड़े, जितने मेरी आवाज जा रही है, मेरी माँ बहन मेरी बच्चियाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे की सहेली रहो एक दूसरे के दोस्त रहो, हम हमारे एक दूसरों के दोस्त से हम आपस में पहले पूछ ले, बोलते हैं ना कि पहले पड़ोस से पूछो, आजू बाजू से पूछो, दोस्त अहबाबों से पूछो, पहले हम अपने दोस्तों की मालूमात निकाल लो, कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर वो तकलीफ हमारे दोस्त अहबाब अगर हमको अगर शेयर करते हैं, हाँ ये तकलीफ है कर्जा है जो भी तकलीफ है लड़की के लड़की के मामला है जो भी दीगर मामला है, उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई भी मामला अगर हो, तो वो अपने दोस्तों अहबाबों से शेयर करे, और जो जब दोस्त अहबाब को मालूम पड़े तो हमारे ऐसे लोगों से जितने भी सोशल वर्कर लोग हैं पूरे शहर के अंदर या आपके एरिया के अंदर जो आपके नगर सेवक है, आप उनसे शेयर करें, वो हमसे शेयर करें, ताकि उनकी मुसीबत उनकी तकलीफ हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह तो हल करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी तकलीफ रहो, चाहे उसकी कर्जे की तकलीफ रहो, चाहे दीगर तकलीफ हो, उसकी निजी तकलीफ रहो, इंशाल्लाह हम बरोबर उसकी तकलीफ को दूर करेंगे अल्लाह ने चाह।